नगीन क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ है नगीन, इतनी परेशान, इतनी कंफ्यूज क्यों हो? बहुत देर हो गई ना हारून, घर चलते हैं। घर चलते? कैसी बातें कर रही हो तुम नगीन? तुमने देखा नहीं इतनी बड़ी पार्टी है, बॉस ने कितना अप्रिशिएट किया मुझे, ऐसे कैसे जा सकते हैं हम? यहाँ बहुत शोर है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। नगीन अभी पार्टी स्टार्ट हुई है, तुम बाकियों को देखो, सब दोस्त अपनी बीवियों के साथ आए हुए हैं, सब लोग कितना घुल मिल रहे हैं आपस में, और हम यहाँ पर डिनर भी लग गया है, डिनर करके उसके बाद चलें। अच्छा आप डिनर कर लें, मैं आपका यहाँ पे वेट कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं लोगों को बता कर आ जाता हूँ कि हम जा रहे हैं, तुम घबराओ नहीं, हाँ बस 2 मिनट यहाँ वेट करो, मैं आप मिसेज हारून। क्या हाल है आपके? अरे वो तो अपने दोस्तों के साथ डिनर एंजॉय करने चला गया, आपको यहां छोड़ गया क्या? नहीं एक मिनट, आप यहां जानबूझ के रुकी है ना, क्योंकि आप चाहती थी कि आपको अकेले में मुझसे बात करने का टाइम मिले, ऐसा ही है? मैं आपसे क्यों बात करूंगी, चले जाएं यहां से। कैसी बातें कर रही हैं आप? आप मुझे मेरी ही पार्टी से जाने के लिए कह रही हैं? जानती हैं मैं कौन हूं? सुल्तान दुर्रानी, इस कंपनी का सीईओ हूं, और आपके हस्बैंड जो हैं वो मेरे पास जॉब करते हैं, शायद उन्होंने बताया नहीं आपको अभी तक। पार्टी कैसी लगी आपको? डिनर किया आपने? जी नहीं। क्यों, मुझे देख के भूख तो नहीं उड़ गई आपकी? आपको देख के भूख क्यों उड़ेगी, मैं आपको जानती तक नहीं। अच्छा तो आप मुझे जानती नहीं है, भूल गई हैं? हाँ अभी याद दिला। नगीन कैसी बातें कर रही, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने तुम्हें 5 साल कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पूछोगी नहीं मैंने 5 साल कैसे गुजारे तुम्हारे बगैर? आप जाएंगे यहां से या मैं जाऊं? बहुत प्यारी लग रही है, ये ड्रेस तुम पे बहुत सूट कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए ही बनाया गया। तुम सोच रही होगी अचानक मैं आपसे तुम पर कैसे आ गया। पुराने दोस्तों के साथ तकल्लुफाना अंदाज में बात करना मुझे पसंद नहीं है, और फिर मैं तो तुम्हारा दोस्त था भी नहीं, मैं तो कुछ खास था ना तुम्हारे लिए, या फिर यूं कहूं कि आज भी हूं। तभी तो मेरा गिफ्ट किया हुआ ड्रेस पहनकर तुम मेरी पार्टी में आई। अगर मुझे पता होता कि ये ड्रेस आपने भिजवाया है तो मैं इसे उसी वक्त आग लगा देती। लगा ही ना देती तुम, झूठ बोल रही हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे याद है तुम मेरे सारे गिफ्ट्स अपने पास संभाल के रखती थी ना, मुझसे कहती थी नहीं सुल्तान ने दिए हैं, मैंने अपने सीने से लगा के रखूंगी, मुझे याद है तुम्हें? शायद यही वजह है कि मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत आज तक कम नहीं हुई। चले जाए यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मचा लो शोर, 5 साल पहले भी तो तुमने शोर ही मचाया था, लेकिन उसका खुमियाजा भुगता था फिर, याद है तुम्हें? ऐसी गलती करना भी नहीं। तुम मुझे क्यों गुस्सा दिला रही हो? इतने दिनों के बाद मिली हो आज, ये बातें करने के लिए मिली हो? आखिर आप चाहते क्या है? एक बार मेरी बात गौर से सुन लो तुम। लेकिन मैं अपनी गलतियों का अजाला चाहता हूं,
तुमसे शादी करना चाहता हूँ।